श्रीराम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा विज्ञान विषय में पहला लेसन चल रहा है, जिसका नाम है कृषि प्रबंधन। पिछले वीडियो में हमने जो है जैविक खाद और उर्वरक के बारे में अध्ययन किया था। आपको पता है कि जैविक खाद क्या और उर्वरक क्या है। आज हम इस वीडियो में जैविक खाद के लाभ के बारे में समझेंगे। तो जैविक खाद क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि पशुओं के मलमूत्र से या पेड़ पौधों के कचरे से जो खाद तैयार की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जैविक खाद। और जैविक खाद क्या होती है, प्राकृतिक होती है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना हुआ रहता है। अब हम इसके लाभों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या लाभ है जैविक खाद के। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। तो देखिए, पहला लाभ, यह खाद जो है मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम है। क्या करने में सक्षम है, पुनर्गठन, यानी मिट्टी को यह वापस पहले जैसा बना देती है। दूसरा लाभ, इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। किसकी, लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि, यानी जो जीवाणु फसल के लिए लाभदायक होते हैं उनकी वृद्धि इस खाद में अच्छे से होती है। तीसरा लाभ, इससे मिट्टी पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सफलता से होती है। क्या होता है कि जैविक खाद जो है ये मिट्टी को कैसा बनाए रखती है, पोला बनाए रखती है। अब पोली मिट्टी होगी तो पौधों की जड़ें जो होती है उसको श्वसन क्रिया करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो ये इसका हो गया तीसरा लाभ। चौथा लाभ हम देखते हैं, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, जल धारण करने की क्षमता, यानी जो पानी है वो मिट्टी में काफी समय तक बना हुआ रहता है, यानी जल्दी पानी नहीं सूखता। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब एक साथ मेरे साथ आप सभी दोहराइए जैविक खाद के लाभ। पहला लाभ क्या है, ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में सक्षम होती है। दूसरा लाभ, इस खाद से क्या होगा बताइए, लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि जल्दी से होती है। तीसरा लाभ जो है, इससे मिट्टी क्या बनी रहती है, पोली बनी रहती है। और पोली मिट्टी होगी तो क्या होगा, बोलो, जड़ों को श्वसन क्रिया करने में क्या रहेगी, सरलता रहेगी। और चौथा लाभ क्या होता है बताइए, जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बनी हुई रहती है। ठीक है, समझ में आया ये यहाँ तक। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, जैविक खाद के लाभ पढ़ने के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं सिंचाई। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सिंचाई क्या होती है। तो आपको पता है, फसल उगने के बाद जो है किसान खेत में क्या देता है, पानी देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई। तो हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो देखो, कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा, किसके द्वारा, कृत्रिम साधनों के द्वारा समय समय पर फसल में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई। इसे कहते हैं सिंचाई, कई प्रकार के कृत्रिम साधनों के द्वारा, क्योंकि फसल में तो पानी बारिश के भी द्वारा आ जाता है, लेकिन वो सिंचाई नहीं कहलाता। सिंचाई क्या होगा, कृत्रिम साधनों के द्वारा जो मनुष्य फसल में बार बार पानी देता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंचाई। अब सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो सिंचाई के लिए जल के स्रोत देखिए आप, नदी से, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि, इनसे जो है सिंचाई की जाती है। अब हम जो है सिंचाई के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं, तो सिंचाई के साधन दो प्रकार के होते हैं, एक है पारंपरिक साधन और दूसरा है आधुनिक साधन। अब हम उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पारंपरिक जो संसाधन है वो क्या है। पारंपरिक जो साधन है, इनका उपयोग पुराने समय में सिंचाई के लिए किया जाता था। जैसे कौन कौन से थे, चरस, ढेकली, रेड, मोट आदि। चरस क्या होता है, चरस जो होता है ये चमड़े का बना हुआ होता था, जिसको कुएं में से पानी भर के बैलों के द्वारा खींचा जाता था। तो ये एक अति
अधिक उपयोग में लिया जाने वाला साधन था डैगली। डैगली भी जो है सिंचाई का एक पारंपरिक साधन है। इसमें लकड़ी के एक सिरे पर तो पत्थर बंधा हुआ होता है, एक सिरे पर बाल्टी बंधी हुई होती है और एक सिरे पर उसको पत्थर जिधर बांधते उधर रस्सी बंधी होती है, तो उसको ये खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो बाल्टी जो है कुएं में से भर के और रस्सी को खींचने पर बाहर आ जाती थी। तो ये पारंपरिक साधन होते थे रेहट, इसको भी बैलों के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो है इन साधनों का उपयोग अब लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि ना तो कुओं में पानी रहा और ना बैल रहे हैं, इसलिए पारंपरिक संसाधनों का उपयोग सिंचाई के लिए अब लगभग बंद हो गया, नहीं किया जाता है। अब कौन से साधन चल रहे हैं? अब चल रहे हैं आधुनिक साधन। आधुनिक साधन जो वर्तमान में सिंचाई के लिए काम में लिए जाते हैं कौन कौन से होते हैं? तो देखिए नलकूप, नलकूप जिसे हम अपने भाषा में बोरिंग कहते हैं, सुना होगा बोरिंग का नाम, तो बोरिंग को ही क्या कहते हैं? नलकूप। तो इसका उपयोग अधिकांश तो है किसान सिंचाई के लिए वर्तमान में कर रहे हैं। दूसरा होता है विद्युत पंप, यानी कि पानी की मोटर, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत पंप। तो इसके द्वारा भी जो है सिंचाई की जाती है। और तीसरा आधुनिक साधन है डीजल पंप, जिसे हम इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन, जो कि इससे चलते हैं डीजल से। तो ये आधुनिक साधन है जिनका उपयोग किसान वर्तमान में सिंचाई के लिए करता है। अब हम जो है सिंचाई के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट प्रश्न ये जो एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो सिंचाई के चार लाभ होते हैं। कितने लाभ होते हैं? चार लाभ। कौन कौन से होते हैं हम एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला लाभ देखिए बीज अंकुरण के लिए। किसके जरूरी है सिंचाई? बीज के अंकुरण के लिए। आप सोचिए अगर हम सूखी मिट्टी में बीज डाल देंगे तो क्या वो बीज उग जाएगा? नहीं उगेगा। तो बीज अंकुरण के लिए मिट्टी को क्या करना जरूरी है? गीला करना जरूरी है, तभी जाके तो बीज उगेगा। तो पहला लाभ क्या होगा बोलिए? सिंचाई का बीज अंकुरण के लिए सिंचाई होना जरूरी है। दूसरा देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु पत्तियों को जल की आपूर्ति करना। अब आप पूछे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन मैं आपको समझा देता हूँ कि जो हरे पौधे होते हैं इनकी पत्तियां जल को वाष्प के रूप में जो है वातावरण में उत्सर्जित कर देती है। क्या करती है? पौधे की हरी पत्तियां जल को वाष्प के रूप में उड़ा देती है वातावरण में, उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो जमीन में पानी की क्या होगी? कमी हो जाएगी। और पानी की कमी होगी तो क्या होगा बताइए? पौधा मुरझा जाएगा और मुरझाकर सूख जाएगा। इसलिए पौधे को मुरझाने से और सूखने से बचाने के लिए क्या जरूरी है बोलिए? सिंचाई जरूरी है। तो समझ गए क्यों जरूरी है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है तो पत्तियों को जल की आपूर्ति करने के लिए। तीसरा लाभ हम देखते हैं जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। कौन? पोषक तत्व। जिस प्रकार मनुष्य को संतुलित भोजन के लिए 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे को भी 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और क्या बोलते हैं कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। इस प्रकार ये 16 प्रकार के जो है पोषक तत्व पौधे को जरूरी होते हैं स्वस्थ रखने के लिए या बने रहने के लिए। अभी पोषक तत्व किसके द्वारा पहुंचेंगे? पानी के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक, क्योंकि जड़ें जो है जमीन से इन पोषक तत्वों को अवशोषित करेगी और वो पानी के साथ मिलकर पत्तियों तक जो है पहुंचते हैं। तो ये तीसरा लाभ हो गया। चौथा लाभ हम देख लेते हैं पौधे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? सिंचाई की। अगर हम फसल में या पौधों में पानी नहीं देंगे तो वो पौधा है जो वृद्धि नहीं करेगा, अच्छे से वो बड़ा नहीं होगा। तो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जो है सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। तो आपको ये याद रखना है सिंचाई के चार लाभ। अब हमने आज जो इस वीडियो में पढ़ा उसको मेरे साथ आप एक बार पूरे को दोहरा लेते हैं। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो सिंचाई की
समय-समय पर फसल में जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई। फिर हमने सिंचाई के क्या पढ़े? साधन पढ़े, नहर, कुआं, तालाब, हैंडपंप, बांध, नदी, ये क्या थे? इसके साथ और स्रोत थे। इसके बाद हमने पढ़े सिंचाई के साधन कौन-कौन से, पारंपरिक और आधुनिक। और उसके बाद हमने अभी-अभी पढ़े हैं सिंचाई के लाभ। ये लाभ आपको याद रखने हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं अपना समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।